हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय वर्चुअल फैमिली, कैसे हैं आप सब? एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। तो चलिए, हम लोग हो चुके हैं रेडी, तैयार निकलने के लिए। सूटकेस मेरा पैक हो चुका है और ऑल सेट, गाड़ी में सामान रखा चुके हैं, बस मेरा सूटकेस बाकी है। तो चलिए, तब तक मैं सामान गाड़ी में सेट करता हूँ, गाड़ी में मिलते हैं। और तब तक आपको क्या करना है, आपको मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए सामान रखते हैं और सामान रख के फिर गाड़ी में मिलते हैं। हम लोग नहा धो के सब कुछ रेडी तैयार, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब निकल चुके हैं यहाँ से रास्ते में। और अब पीछे डी बैठी हुई है और पीछे नायसा भी है और हर्ष बाबू गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। और ये रहा कुछ नज़ारे का, मजा लीजिए आप लोग। ये था शालीमार गैलेंट का नजारा। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं रास्ते में, नीरव पीछे चले गए हैं इस जगह पे। नीरव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है? बहुत। नायसा? बहुत मजा आ रहा है। तो ये लोग की पहली बाई रोड ट्रिप है पटना, लखनऊ टू पटना। और आप लोग कुछ नजारे का मजा लीजिए और हम लोग रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ आप लोग अपडेट देते रहेंगे और आप भी हमारे साथ सफर का आनंद लीजिए। तो चैनल बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। चलिए नजारे का मजा लीजिए। तो हम लोग लखनऊ से बाहर निकल चुके हैं, हाईवे पे हैं और गाड़ी में पूरी फुल और मस्ती चल रही है पीछे। बहुत मजा आ रहा है रास्ते में और मौसम में एकदम कोई चेंज नहीं, कोई धूप नहीं, थोड़ा फॉगी वेदर है और खूब मस्ती हो रही है। आप थोड़ा सा नजारे का मजा लीजिए। अभी जैसे एक टोल आ रहा है और उस टोल में फास्टैग का जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा चीज है फास्टैग। देखा, मतलब आपको किसी को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो गिरेगा गाड़ी पे लगा हुआ होगा फास्टैग का स्टिकर और फिर वो खुल जाएगा अपने आप, दो तीन सेकंड का है और फिर आप निकल जाएंगे। तो इसलिए आप फास्टैग गाड़ी में नहीं तो फास्टैग जरूर लगवाइए। और अभी आपको फास्टैग दिखाने के पीछे कारण ये भी था, मुझे नींद बहुत जबरदस्त आ रही है और हर्ष मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर लिया जाए ताकि मेरी नींद खुल जाए। तो थोड़ी नींद खुल गई है, लेकिन आपको मेरी आंखों में देखिए लग रहा हो कि मेरी नींद भरी हुई है। और जब भी चल रहा है ऐसे बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे हैं। चलिए अभी भी जल्दी बने रहिए और मस्ती करते रहिए। Few moments later. तो ये हमारा वॉशरूम और ब्रेकफास्ट का ब्रेक नंबर वन है और हर्ष बाबू का आलू पराठा खाना है, मैं भी आलू पराठा खा रहा हूँ। और आलू पराठा खा करके फिर जल्दी आगे बढ़ाएंगे और आपको यहाँ का बहुत मस्त नज़ारा दिखाते हैं, बहुत मस्त व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए, तब तक हम लोग थोड़ा नाश्ता करते हैं। ठंड के मौसम में और ये कुल्हड़ चाय मिल जाए तो लाइफ है, क्या कह रहे हैं बॉस। मजेदार अमृत। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो चलिए अब मैं सीधे पहले नाश्ता करता हूँ, फिर नाश्ता करके ही मिल सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि टाइम लगेगा और हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो जल्दी खाते हैं और खाते सीधा मिलते हैं। चलिए तो नाश्ता एंजॉय करते हैं। हाँ, तो हम लोग खा पी के हो चुके हैं, ऑल सेट, और आगे जाने के लिए फिर तैयार हैं।
तो चलिए हम लोग अब आगे जर्नी में बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा सा नज़ारा का एंजॉयमेंट लीजिए। नीरव को सनरूफ से ऊपर जाना, तो सनरूफ खुल चुका है और ये नीरव है ऊपर। बहुत तेज है, नहीं जाना है, जरा नीचे आ गया। फिर कोशिश कर नहीं सके अटेम्प्ट। नीरव कैसा लगा? सो गया है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश भी यही है कि जैसा सो रहे हैं सो में पहुंच जाए पटना। चलिए आप लोग ये सफर का मजा लेते रहिए और सो बिना डिस्टर्ब किए हम आगे बढ़ते हैं। One eternity later. हाँ, तो ये है हमारा ब्रेक नंबर 2 और यहाँ बस वॉशरूम ब्रेक और एक कप चाय मारेंगे अच्छे से ताकि जो नींद है वो भी भाग जाए। और एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हुआ है, आपको दिखाते हैं अभी। और कोइंसिडेंस ये था कि जैसा आपने देखा अभी, एक मैं रोड के उस साइड आपको दिखाया है रेस्टोरेंट माधवपुरिया रेस्टोरेंट, तो हम लोग माधवपुर एरिया में है। जब हम लोग लौट जब लखनऊ जा रहे थे तो हम लोग वहाँ पर रुक के नाश्ता किया, थालू पराठा खाया था, और जब हम लोग वापस जब पटना जा रहे हैं तो भी बस अचानक से गाड़ी रोका तो पता देखा कि हमने रोड के अपोजिट साइड पर गाड़ी रोकी है, और बस यहाँ के बाद जो टोल आएगा वो हम लोग फिर उस टोल से निकलेंगे और बिहार पे एंटर कर जाएंगे। तो चलिए थोड़ा चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं। तो हमारा ब्रेक ख़त्म, जर्नी फिर से स्टार्ट, और गाड़ी में बच्चे लोग दीदी लोग सब लोग खा पी रहे हैं। हेलो। और सबकी मस्ती फिर से चालू हो गई, सब फ्रेश अप हो गया है पूरा अच्छे से, और अब टारगेट ये है कि नेक्स्ट हम सीधा अपने घर पर मिले हैं। बट मैं आपको इसी बीच में मिलूंगा, कुछ अच्छा मुझे लगा क्योंकि भी 4-5 घंटे की जर्नी अभी भी बाकी है, तो कुछ अच्छा रहा तो आपको दिखलाऊंगा। और चलिए बने रहिए, मिलते हैं, जर्नी का मजा लेते रहिए हमारे साथ। हमारी बिहार में एंट्री हो चुकी है और अब हम मुस्कुराइए, हम लोग बिहार पहुँच चुके हैं। तो बिहार में फिर से आपका स्वागत है। और एक छोटी सी जानकारी, पटना से लखनऊ के बीच में टोटल 7 टोल गेट मिलते हैं, तो अगर आप पटना से लखनऊ का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कम से फास्टैग के वॉलेट में कम से कम 1000 रुपये का बैलेंस करके चले तो ईजी रहेगा, नहीं तो फिर पता क्या होता है वो बैलेंस तो आपका अगर नहीं रहेगा ना तो फाइन लगता है, फाइन कटेगा और फाइन आपके वॉलेट से कट जाएगा ऑटोमेटिक जब रिचार्ज करेंगे, तो इसके अच्छा है कि पटना से लखनऊ के बीच में एटलीस्ट 1000 तो आपके वॉलेट पे फिट फास्टैग वॉलेट पे डाल ही दें। तो पता नहीं अभी बड़े अच्छे से हम आ रहे थे जैसे बिहार में एंटर किए, पता नहीं आगे कुछ जाम लगा और क्या रीज़न है वो पता नहीं है, तो हमने क्या किया कि लेन चेंज किया है और हम उल्टे डायरेक्शन से जा रहे हैं। चलिए दिखलाते हैं आपको और फिर देखते हैं पता करते हैं कि रीज़न क्या लेट जाम का। नहीं था वो एक्चुअली क्या है कि यूपी से जितनी भी गाड़ी आती है बिहार में एंटर करती है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब गाड़ी आती है तो चेक टक आता है, तो बस उसी चेक टका पे ही भीड़ था बस उसको ट्रक्स को चेक करने के लिए। हम लोग रॉन्ग साइड से होकर फिर निकल के आगे इसलिए अभी अपने सही डायरेक्शन में सही रूट पर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, सो फार सो गुड।
इसी के साथ ही हमने जेपी सेतु क्रॉस कर लिया और हम पटना में एंटर कर चुके हैं। करीब 7-8 घंटे की जर्नी हुई है हमारी, अब जाके हम पटना पहुंचे हैं। और बीच में तो बहुत ही मजा आया, एक जाम लगा और जाम लगने के बाद गूगल माता ने एक अलग ही रास्ता दिखाया हमें। हम उस रास्ते में घुस तो गए लेकिन निकले कैसे समझ में नहीं आया, बट गूगल माता ने पहुंचाया तो उन्होंने निकाला भी फाइनली, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और हम लोग निकल के अच्छे से मेन रोड पे भी आ गए और अब फाइनली पटना पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 9 घंटे की जर्नी होगी, 7 बजे सुबह 9 बजे निकले थे, अभी 7 बज रहा है और लगता है घर पहुँचने में 7:30-8 हो जाएगा। तो अब सीधा घर पे ही मिलते, इसलिए अब भी बहुत थक गया, बैटरी भी फ़ोन की जो है लो हो रही है, घर जाके थोड़ा फ़ोन चार्ज करूँगा फिर वहाँ पे ब्लॉग को एंड करूँगा। तो चलिए सीधा घर पे ही मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग अब घर पे आ चुके हैं और अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, आया हूँ, मोहित को मैंने हग ही दिया है, मोहित ने मुझे हग ही दिया, एक दूसरे को दोनों ने हग ही दिया है और मेरी थकावट चली गई है। लेकिन अब बस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और आपको क्या करना है, आप नए हैं और यहाँ तक देख लिया तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ये पूरा हमारा लखनऊ का सीरीज़। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ आगे भी देते रहिए। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और हम फिर मिलेंगे अपने किसी अगले ट्रिप पर, तब तक के लिए एस्ता ला विस्ता, दस्तेदानिया, गुड नाइट।